अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अपने से देखिए सर, स्टडी में ले लीजिए जितना है, बोली रहेगा कोई बात नहीं। ये फोटो मारना मुकेश, पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार जो भी शराब माफिया हैं और उनके खिलाफ अभियान कंटिन्यूस रूप से चलाया जा रहा है, तो विगत सप्ताह में भी जैसा आप लोगों को जानकारी है, सदर थाना अंतर्गत और बाईसी थाना अंतर्गत बड़ी शराब की खेप पकड़ाई थी। तो उसी क्रम में 23 तारीख को पूर्णिया पुलिस का वो अभियान जारी था। उस क्रम में हम लोग को तीन व्यक्ति जो प्रमोद यादव, राकेश यादव और आकाश यादव नशे की हालत में मिले और हथियारों के साथ मिले, तो उसके बाद उन लोग से पूछताछ की गई। जब हथियारों के संबंध में तो उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया और उसके संबंध में स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं गया। तो उसके बाद से उन लोग ने फर्दर अपने एक मित्र के बारे में बताया, निखिल मंडल। जब निखिल मंडल को उठाया गया तो उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिससे पता चला कि ये रैकेट जो है शहर में जितने भी ये गार्ड वगैरह हैं उनको अवैध रूप से हथियार सप्लाई कराता था, जिसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता था, और कई बार जो कंट्री मेड वेपन्स भी सप्लाई कराता था और एम्यूनिशन भी सप्लाई कराता था, जिसके एवज में वो दलाल थे, कुछ बीच में मिडिलमैन थे जो पैसा एक मोटी रकम तय कर लेते थे जिसके एवज में ये उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद हम लोग ने पुष्टि करने के लिए जब विभिन्न जो इंस्टॉलेशन थे, फॉर एग्जांपल बैंक है, LIC ऑफिस है, सदर हॉस्पिटल, वहाँ के गार्ड वगैरह को जैसा कि हम लोग को सूचना मिली थी पकड़ा और उठा के पूछताछ की गई, तो इस एक बड़े रैकेट का उद्भेदन हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये गैर लाइसेंसी और कंट्री मेड हथियारों की रिकवरी हुई है और काफ़ी गोलियाँ वगैरह भी मिली हैं, और इसमें जो मास्टर माइंड है उसके पुलिस ने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। उम्मीद है कि वो भी जल्दी पकड़ाएंगे और ये जो रैकेट है एक सिस्टमेटिक रैकेट पूर्णिया में ऑपरेट कर रहा था, ये पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। टोटल ये 10 की संख्या में टोटल वेपन्स की रिकवरी हुई है और टोटल 9 अरेस्टिंग हुई है इस केस में अब तक। कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे पूर्णिया पुलिस अभी काम कर रही है, इंटर इनका डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन का कुछ एक सूचना हम लोग को मिला है, उसमें वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम्स भी गई थी। कुछ एक ये आप देख सकते हो मुंगेर मेड है और कुछ एक ये मतलब वैध वे में गन हाउसेस से भी लेते थे, बट जैसा कि आप लोग को जानकारी है जब तक से किसी आर्म्स का लाइसेंस नहीं होता है तब तक से उसको लीगली आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट लाइसेंस ही सारे आर्म्स थे और कुछ उसमें कंट्री मेड थे, कुछ मुंगेर के थे और कुछ लाइसेंस नहीं था ना, फर्जी लाइसेंस तो ये लोग प्रोवाइड कर देते, तो अब नकली हो गया तो उसका क्या पता, लाइसेंस ही नकली। उसको हम लोग एस्टेब्लिश करने का अभी प्रयास कर रहे हैं कि किस किस गन हाउस से ये जो वेपन्स वगैरह लिए गए हैं, और बाकी तो जो कंट्री मेड वेपन्स हैं वो तो लोकली ये लोग प्रोक्योर करते थे, और जिसमें मोस्टली ये मुंगेर वगैरह के नेटवर्क्स की कुछ संलिप्तता आई। उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग का जारी है, जो भी गन हाउस की इसमें संलिप्तता आएगी उसको एकदम बख्शा नहीं जाएगा और उनका जो लाइसेंस है ऑपरेशन का उसको भी कैंसिल करवाया जाएगा, और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं निश्चित रूप से सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। Thank you.